बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर विचार कर रही है। इसको परखने के लिए सबसे पहले ब्राह्मणों की नक्श पर हाथ रखने की कवायद शुरू की गई है। इसके लिए ब्राह्मण सम्मेलनों से आगाज करने की तैयारी की गई है। बसपा फिर उसी नारे को जिंदा करने की कोशिश कर रही है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली सफलता का राज सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था। इसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां जिस क्षेत्र में जिसका बाहुल्य था उसी जाति के आधार पर टिकटों का वितरण किया था। ब्राह्मण, ठाकुर, जाट, यादव सभी को इस फॉर्मूले में फिट किया गया था। उसी का परिणाम रहा कि बसपा को अप्रत्याशित सफलता मिली और सूबे में पूर्ण बहुमत से सरकार बन गई। पिछले दो चुनावों में सत्ता से बहुत दूर हुई बसपा फिर से उसी फॉर्मूले पर लौटने की कवायद कर रही है। हालांकि पिछले 10 सालों में या दो चुनावों में बसपा ने ये कोशिश की थी पर फेल रही थी, इसलिए इस बार पहले इस पर विस्तृत मंथन करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले ब्राह्मणों की नफ्स टटोलने को कहा गया है। इसके लिए अयोध्या में शुरुआत की जा रही है। सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन से ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद करेंगे। इसके बाद बाकी जिलों में भी ये मंथन होगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों और पूर्व पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की, उनके सुझावों को सुना और संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। कहा कि पूर्व विधायक और पूर्व सांसद अगर चुनाव लड़ना चाहेंगे तो पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारने से नहीं हिचकेगी। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी से लौटने के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व जनप्रतिनिधियों, पूर्व शहर जिला अध्यक्षों और फ्रंटल संगठनों के पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रियंका गांधी ने कहा कि सब लोग ग्राउंड पर जाकर काम करें, अपने अनुभवों का फायदा मौजूदा कमेटी को पहुंचाएं ताकि संगठन मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि पार्टी से अधिक नौजवान जुड़ने चाहिए, लेकिन वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय रखना है। प्रियंका ने जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों और पार्टी फ्रंटल विभागों और प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के साथ भी बैठक की। अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक अध्यक्षों के साथ भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, हम सबको एकजुट होकर एक सेना की तरह काम करते हुए फिर से विजय पताका फहराना है।